हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि कल ही नोटिस आई हुई है इसकी। और इसमें देखिए, ये खुशखबरी है कि जो रुकी हुई प्रक्रिया थी वो फिर से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर देखिए, दो वैकेंसी तीन वैकेंसी दिया हुआ है। इन सभी वैकेंसी में जो एग्ज़ाम्स होने के बाद और जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस रुकी हुई थी, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2016 एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2016। और तीसरी भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती विशेष चयन 2017 की। ये तीनों वैकेंसी की जो रुकी हुई प्रक्रिया थी उसको अब स्टार्ट किया जा रहा है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पर आ जाता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए है, यहाँ पर देखिए ऊपर वेबसाइट ये दिया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस है रुचि की अभिव्यक्ति, मतलब, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अभिलेखों की समीक्षा, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक मानक परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा से संबंधित कार्यों के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए नोटिस हुई है, नोटिस आई हुई है, आप लोग चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा जूम कर लिए हैं, ये देखिए नोटिस आई हुई है। ठीक, इस पर अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ रुचि की अभिव्यक्ति ये क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है, बोर्ड द्वारा पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2016, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2016। ठीक, एवं तीसरी जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती, जो कि विशेष चयन के माध्यम से होना है। चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा आयोजित की जानी है। ठीक है, तो इन ये सब जो अभी प्रोसेस बचा हुआ है, अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा जो ये सब बचा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर ये नोटिस आई हुई है, जिसमें ये दिया हुआ है कि बोर्ड द्वारा ख्याति प्राप्त कंपनियों, फर्मों एवं एजेंसियों जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग मेडिकल तथा अथवा प्रबंधन कोर्सेज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज तथा अन्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के पुलिस संगठनों में संपन्न भर्तियों में के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित गतिविधियों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो से EOI आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये मेन जरूरी बात यह है कि ये सभी तीनों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सभी के लिए जो कंपनी है वो सब कंपनी फर्मों हैं जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह कराते हैं, उन सभी के लिए EOI फॉर्म आमंत्रित किया गया है। मतलब कि वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम करा सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या आप लोगों का रुका हुआ परीक्षा है, देखिए पुरुषों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2016 में ये तीन चीज़ें अभी बचा हुआ है, जो कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, और बी नंबर पे देखिए कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में, और आशुलिपि परीक्षा के लिए है केवल उप निरीक्षक गोपनीय हेतु। ठीक, और दूसरा है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग भर्ती सीधी भर्ती में, इसमें भी यही सब तीनों चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें देखिए जो बचा हुआ है। और उसके बाद देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, ये तीसरी भर्ती जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती है, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग बचा हुआ है और अभिलेखों की समीक्षा, मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे संबंधित ये सब चीज़ जो बचा हुआ है, इन सभी चीज़ों को कराने के लिए EOI मांगा गया है। जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे और उनमें से जो अच्छा रहेगा उन्हें इस सरकार द्वारा लिया जाएगा और फिर उसके आगे
आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें यही ज़रूरी बात है, आप लोग खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये वेबसाइट, आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।